देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव की शहीदी पर्व पर रविवार को सिख समाज ने साहिबजादे चौक पर जगह जगह ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई और चने व शरबत का लंगर बांटा। दिन भर सेवादारों ने राहगीरों को शरबत पिलाकर सेवा की। इस गर्मी में कोई कंठ प्यासा ना रहे, छबील लगाने के पीछे मानना है कि जो यातना गुरु अर्जुन देव ने सहन की वैसी यातना किसी को भी ना मिले। गुरुद्वारों में सुबह से ही शबद कीर्तन के बाद लोगों ने छबील लगाई। चौक चौराहों सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर ने ठंडे पानी की सेवा की। वहीं दिनेशपुर के माता साहेब कौर गुरुद्वारे के प्रमुख बाबा गुरुदेव सिंह ने कहा कि मीठे पानी का शरबत ठंडक का प्रतीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्यासा ना रखे। जब मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को गर्म लोहे की कढ़ाई में बिठाकर उन पर गर्म रेत डलवाई तो वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और वाहेगुरु का सिमरन करते रहे। उन्हें पानी की बूंद तक के लिए तरसाया गया। उन दिनों जेठ का महीना था और गर्मी का दिन था। गुरु की शहन सिलता के आंखें मुगल भी हार गए। तब से उनके शहीदी दिवस पर ठंडे पानी की छबील लगाई जाती है, ताकि प्यास की वजह से कोई भी आत्मा को कष्ट ना हो। आज हमारे इलाका निवासी सारे इकट्ठे होकर गुरु अर्जन देव की शहीदी पूर्व को और बाबा पंत रतन बाबा रमन सिंह जी बाबा फौजा सिंह की मीठी याद में हमने यहाँ छबील लगाई, चनों का लंगर भी बरताया छबील लगाकर। और हमारे दिनेशपुर माता साहेब गुरुद्वारे से बाबा गुरुदेव सिंह जी हमारे साथ हैं और लाका निवासी सारी संगत हमारे साथ है। और आपदा में जब भी कोई बात हो हमारे सिख समाज हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। आज गर्मी को देखते हुए हमने यहाँ पर लंगर छबील लगाई और जल छकाया। संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब हमारे गुरुओं की शहादत ही उसमें पला रहे हैं ते बाकी बाबा फौजा सिंह के याद में लगाया हमने, गर्मी बहुत हो रही उसके चक्कर में लगाया और प्रसाद बनाया था इसका चनों का और 3 क्विंटल चीनी का हमने घोल बना के सारी संगत को चगाया और सादा जल भी चगाया था हमने। इलाके की सारी संगत आई, उनकी सहयोग से भी हुआ है। बाकी बाबा गुरुदेव सिंह जी हमारे साथ हैं, बाकी इलाके की संगत साथ हैं, उनके सहयोग से सबने ये जल वर्तन करा।